नमस्कार दोस्तों, मैं विलास सुरकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबरें मध्य प्रदेश के मुरैना से। महिला पटवारी मांग रही 1500 रुपए, देखे वीडियो। मुरैना महिला पटवारी मोहिनी शर्मा का दफ्तर में 1500 रुपए की खेत के किताब बनवाने के नाम पर तहसील दफ्तर से हुआ वीडियो वायरल। जौरा कस्बे के अगरोता हलके में पदस्थ है महिला पटवारी, किसान से खेत की किताब बनवाने के नाम पर बातचीत का वीडियो वायरल। वीडियो वायरल में महिला पटवारी सरेआम पैसे लेते हुए और बातचीत करते हुए दिख रही। ठीक है, आप चिंता नहीं करो, काम सब हो जाता है, टाइम लगता है ना। अरे कोई दिक्कत ना, टीआईटी का बना लो, गेट वाला हो जाए। 1500 बाद में देना। चाबी नहीं, गेट के बाहर 3 मिनट देने के बाद। हाँ मैं फूल लगा दूंगी, तो कागज फोटोकॉपी करा के इस किताब तो आपकी बाद में बनाऊंगी, बंटवारा होके सेपरेट तुम्हारी 2 बीघा वाले खेत की है ना, अलग ही बनवाएंगे। हाँ सफाई ही बनाएंगे, कहते संगे बनवाने तो कोई मतलब ना है। संग क्यों बनवाई अलग? मैं तो जब तब डोकरा हूँ पाँच गोले कई बीघा में, मैं तो नौकरी करती हूँ, अलग ही नहीं तो किताब ला तो बनवाई ऐसे कोई अलग बनी का ऐसे वही मध्य प्रदेश के मुरैना में अम्बाहा थाना क्षेत्र के जयसवर रोड पर मनोज पुत्र सत्यदेव त्यागी उम्र 50 साल नी तालाब रोड अम्बाहा ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 8 बजे की बात है कि मैं रामसेवक राठौर की दुकान पर से अपनी मोटरसाइकिल अपने घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में बड़ी मस्जिद के पास अमर फोटो स्टूडियो के सामने जयसवर रोड अम्बाहा पर एक लड़का मुंह पर मास्क बांध कर आया और मुझे धक्का देकर गाड़ी से गिरा दिया। इतने में एक मोटरसाइकिल पर जीतू शर्मा पिल्ली और दुर्गेश नाई एवं एक अन्य व्यक्ति आ गए। जीतू शर्मा एवं पिल्ली नाई ने जमीन की खरीदी बिक्री की रंजिश पर से अपने अपने हाथ में लिए हुए कट्टे से जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायर किया। और भी देखिए आगे क्या कहा इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। सर एक अम्बा में शॉटगन का मामला आया, कहाँ का मामला और इसमें कितने लोग शामिल थे? अम्बा में मार्केट में मनोज त्यागी रहते हैं, जो पैसे से वकील भी हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, तो किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेके किसी पक्षों के साथ इनका विवाद चल रहा होगा, तो उसी के तहत रंजिशन 4 लड़के हैं जिन्होंने इन पर अभी कट्टे से फायर किया है, पैर में गोली लगी है अभी इनके, तो इनको प्राथमिक इलाज यहाँ पे करवाया, मुरैना रेफर कर दिया गया है। 4 लोगों के विरुद्ध अभी 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की अग्रिम विवेचना कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी सर किसी की पहचान हो पाई इसमें 4 लोगों में से किसी की? 2 लोगों की, जैसे कि बताया कि प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का मामला है, तो 2 लोग तो उसमें जो इस प्रॉपर्टी की जिनके इन्होंने खरीदी थी वो लोग हैं और 2 अन्य लोग हैं, तो 4 लोग वैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे और इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है 4 लोगों।